Hello, my dear students. Today I am going to discuss another problem based on linear programming problem on graph through graphical methods. Now we will discuss the case of redundancy constant. Hope you will enjoy this video and revise it again and again. So the case of redundancy constant, redundancy का मतलब होता literal meaning की अधिकता, कोई चीज अधिक मात्रा में हो. मतलब अधिक मात्रा का मतलब ये हो जाता है कि उसे उसे हम यूज नहीं करेंगे. वो उसकी उसकी प्रेजेंस और उसकी एब्सेंस डजंट अफेक्ट योर कॉन्सिक्वेंसेस. आपके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं उसको वो अफेक्ट नहीं करती, तो उसे हम कहते हैं रिडंडेंसी केस. तो इसका एक न्यूमेरिकल लेते हैं तब और ये क्लियर हो जाएगा. तो यहां पर हम लिखा जेड एम ए एक्स इज इक्वल टू 2x plus 3y और सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट जो है वो है x ग्रेटर इक्वल टू 10, y ग्रेटर इक्वल टू 5 एंड द लास्ट x प्लस y ग्रेटर इक्वल टू 4. और आप जानते हैं वेयर x y, यहाँ पर लिख देंगे वेयर एक्स वाई इज ग्रेटर इक्वल टू 0. तो ये तो आपका केस होता ही है हमेशा, इसमें कोई नई चीज नहीं है. जो हमने यहाँ पर लिखी है कि सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट में इक्वेशन दे रखी है और इक्वेशन तीन इक्वेशन हैं. अब रिडंडेंसी है कि नहीं ये चीज हमें ग्राफ से ही समझ में आएगी. तो पहला तो आप लाइन बड़ी आसानी से बना लेंगे, सेकेंड इक्वेशन भी आसानी से ड्रॉ हो जाएगी. हम डायरेक्टली बात करते हैं थर्ड कि थर्ड इक्वेशन को हम कैसे ड्रॉ करें. तो मैं लिखते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 4, लेट x इक्वल टू 0 एंड y बिकम्स 4 और a पॉइंट कितना आ जाएगा 0, 4. लेट y इज इक्वल टू 0 एंड x बिकम्स 4 एंड b पॉइंट कितना आ जाएगा 4, 0. तो ये तो बहुत ही आसान है जो हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया. आइए अब बनाते हैं एक ग्राफ, क्योंकि ये चीजें ग्राफ से ही क्लियर हो पाएंगी. तो हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली इजली और देखते हैं कि इसमें पॉइंट लोकेट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5. अब जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं कि सबसे पहला है x इज ग्रेटर देन 10, ओ 10 है तो हमें ये 10 तक ले जाना होगा. 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक जाएगा तो ठीक है. अब यहाँ पर हमारी एक लाइन ड्रॉ होगी, वो लाइन इस तरह से ड्रॉ होगी. ये हमने लाइन ड्रॉ कर दी. इस लाइन में जब हमने ये ड्रॉ कर दिया तो आप ये देख पा रहे हैं कि x की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 10 है. तो इसके लिए जो फिजिबल रीजन होगा वो इस तरफ होगा, इस तरफ का रीजन जो होगा वो फिजिबल रीजन, क्योंकि इधर x की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है. सेकेंड है आपका y इक्वल टू 5, तो हम y इक्वल टू 5 को भी ड्रॉ कर लेते हैं और ये आपका बना y इक्वल टू 5. y की वैल्यू यहाँ पर ज्यादा हो रही है, इन दैट केस सबसे पहले तो हम y इक्वल टू 5 को ही ड्रॉ करेंगे और चूंकि y की वैल्यू यहाँ ज्यादा हो रही है तो इन दैट केस y की वैल्यू किधर होगी, ऊपर की ओर. आप एक खास बात देखिए कि ये जो रीजन है यही एक्चुअली कॉमन रीजन आ रहा है. आप गौर से देखिए ये जो रीजन है यही आपका क्या कॉमन है. क्यों? क्योंकि देखिए इसमें इस तरफ की ओर शेडेड हो रहा है और इसमें अपर की ओर शेडेड हो रहा है, तो ये पूरा का पूरा जो रीजन आया ये कॉमन. अभी हम थर्ड की भी बात कर लें. थर्ड में है 0, 4 एंड 4, 0. तो 0, 4 ये हो गया एंड 4, 0 ये हो गया. ये है बी पॉइंट, हम इसे भी ड्रॉ कर लेते हैं. तो जब हम इसे ड्रॉ करते हैं यहाँ पर तो देखिए एक स्ट्रेट लाइन ये आ रही है, एक स्ट्रेट लाइन आई, इसका मतलब ये हुआ. और ये किधर की ओर, देखिए ये ओरिजिन को सेटिस्फाई करे, क्योंकि जैसे ये ओरिजिन को सेटिस्फाई नहीं कर रही है. आप देखिए 0 प्लस 0, आप जैसे इसमें 0 रखेंगे तो 0 इज ग्रेटर देन 4 जो कि होता नहीं, इसका मतलब ये किधर की ओर है, बाहर की ओर, बाहर की ओर ये रीजन. तो अब देखिए ये बाहर की ओर है तो हम इस तरह से इसको ड्रॉ करेंगे. अब जरा गौर से देखिए,
ये इसके लिए जो क्षेत्र आएगा वो ये पूरा कवर कर रहा है जिसकी जरूरत नहीं है, और आगे भी ये कवर कर रहा है। मतलब ये कि ये जो लाइन अगर मतलब इस लाइन के और इन तीनों लाइनों का जो फिजिबल रीजन होगा वो कौन सा रीजन आएगा, वो यही होगा। क्योंकि जब ये इधर आगे बढ़ेगा तो केवल इसमें ये कंसी जब ये शेडेड पोर्शन ऊपर की ओर जाएगा तो ये और ये कॉमन आएंगे, ये नहीं आएगा, और जब ये इधर की ओर जाएगा तो ये और ये कॉमन आएंगे, ये नहीं आएगा। लेकिन ये एक ऐसा पोर्शन है जिसमें ये पूरा का पूरा कवर अप हो रहा है, ये पूरा का पूरा कवर अप हो रहा है। तो इन दैट सिचुएशन अगर हम इसको हटा देते हैं तो भी कॉमन रीजन यही होगा। इसका मतलब है इस इक्वेशन की जरूरत नहीं है। मतलब ये कि दो इक्वेशन से अगर सेम कॉमन रीजन आता है, थर्ड इक्वेशन के रहने पर भी वही कॉमन रीजन आ रहा है, तो थर्ड इक्वेशन को हम रिडंडेंसी के केस में डाल देते हैं। तो हम यहां लिखेंगे फ्रॉम ग्राफ इट इज क्लियर दैट फ्रॉम ग्राफ इट इज क्लियर दैट एक्स प्लस वाई इज ग्रेटर और इक्वल टू 4 इज रिडंट रिडंट बिकॉज क्यों है, बिकॉज इट प्रेजेंट्स, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, बिकॉज इट प्रेजेंट्स इज नॉट अफेक्टिंग द सोल्यूशन, प्रेजेंस नॉट अफेक्टिंग द सोल्यूशन। अब देखिए, क्योंकि अफेक्टिंग द सोल्यूशन कब होगा, जब इस ये कंट्रीब्यूट करता। अब यहां पर आप देखिए, चूंकि केस है मैक्सिमाइजेशन का, तो आप यहां पर अगर हम वैल्यू निकालें एक्स की और वाई की, हम यहाँ केवल ये बताना चाहते हैं, ये वैसे तो ये केस आप देख ही सकते हैं, ये कॉर्नर पॉइंट एक मिलेगा आपको बस, और इस पॉइंट की जो वैल्यू होगी वो इस पॉइंट का एल एल कह देते हैं, एल का जो पॉइंट हम निकालेंगे वो होगा 10.5, ये होगा एल पॉइंट की जो वैल्यू होगी वो कितना होगा 10.5। लेकिन ये जो 10.5 है ये इसका सोल्यूशन नहीं हो सकता, कारण क्योंकि जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैल्यू पेयर के मान भी चेंज होते जाएंगे, और पेयर के मान चेंज होंगे तो आपका जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो भी बदलेगा। तो इस ये जो इट इज अ केस ऑफ अनबाउंड सॉल्यूशन एज वेल एज रिडंडेंसी कांस्टेंट। तो इस न्यूमेरिकल को हमने इसलिए लिया कि आप रिडंडेंसी कांस्टेंट को समझ सकें कि रिडंडेंसी कांस्टेंट क्या है। तो सिंपली आई होप आपको ये समझ में आया होगा रिडंडेंसी कांस्टेंट का मतलब क्या होता है। ऐसी इक्वेशन या ऐसा रीजन जो कि उसके सोल्यूशन में कोई भी कंट्रीब्यूशन ना दे रहा हो, आप बताइए हटा देंगे तब भी तो ये रीजन रहेगा, और ये है तब भी ये रीजन है, तो इसका मतलब ये क्या रिडंडेंसी है। देयर इज नो दिस इक्वेशन डजंट प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन इन दिस क्वेश्चन। आई होप आपको यह समझ में आया होगा। Thank you very much.